नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल देवड़ा दिप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जरा जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों क्योंकि बहुत ही शानदार वाली देखिए पटवारी के विगत वर्षों में पूछे गए मतलब पिछले 2017 में जो पटवारी की एग्जाम हुई थी दोस्तों उस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सारे क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज को लेकर मैं अनिल देवड़ा आपके सामने उपस्थित हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना में आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों चलिए दोस्तों एक विशेष आप लोगों के लिए सूचना क्या है कि सबसे पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टडी को तो आप एल और भवरकुआ चौराहे पे आ सकते हैं दोनों ही जगह पर हमारी ब्रांचेस उपलब्ध है दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं ठीक है क्या है एम हो पी हो मध्य प्रदेश पुलिस या पटवारी या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी दोस्तों हर किसी तो हर किसी गवर्नमेंट अधिकारी की तैयारी दोस्तों यहां पर करवाई जाती है तो बहुत ही बढ़िया जाए जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए टाइप कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी दोस्तों और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को इंस्टॉल करते ही दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपको आपको दोस्तों क्या होगा कि इसका पीडियेव, पीडियेव, फ्री पीडियेव दोस्तों आप आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप फ्री और भी हमारी जो जैसे पटवारी के टेस्ट थर्टी टेस्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है वो सारे लोग दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं एक बार पूरा लेक्चर सीरीज आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से लेक्चर्स चल रहे हैं पटवारी के लिए तो सबसे पहले सामान्य हिंदी का लेक्चर लगता है दोस्तों वो लगता है रोजाना दीपिका मैडम के द्वारा ये दो बजे फिर उसके बाद तीन पैतालीस पे मैथमेटिक्स का लेक्चर लगता है दोस्तों अनिल सर के द्वारा पंचायती राज का लेक्चर लगता है दिनेश ठाकुर सर के द्वारा शाम को छह बजे और रंकित सर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं दोस्तों एम पी और पटवारी के लिए जिसमें करंट अफेयर भी होगा और दोस्तों ये रोजाना शाम को नौ बजे क्लासेस चल रही है बहुत है। दोस्तों बहुत ही जल्द इस पूरी लेक्चर सीरीज में कंप्यूटर के भी ले ले स्टार्ट करेंगे और एक विशेष बात दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक मतलब सारे जितना भी हमारे पास में जितना भी पांच सब्जेक्ट पटवारी में पूछे जाते हैं उन पांचों सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए दीप्य सिंह एकेडमी ने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रखी है आप यूट्यूब चैनल के प्ले में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों पटवारी के चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे हिंदी हो चाहे कंप्यूटर हो सामान्य ज्ञान हो पंचायती राज हो एम हो या कंप्यूटर हो दोस्तों सभी कुछ की प्ले आप लोगों के लिए वहाँ पर बनी हुई रखी तो आप वहाँ से बिल्कुल जाइए और वहाँ पर वन बाय वन टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक पार्ट को स्टडी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया गुड मॉर्निंग विशाल जी बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों आप पटवारी के नोट्स को अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसको नोट्स को बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो पांचों बुकलेट्स दोस्तों जो पटवारी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बनाई गई है बहुत ही बढ़िया बहुत खूब जल्दी जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूब चलिए बहुत जल्दी ठीक है चलिए 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है तो दोस्तों सबसे पहला ही प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ये सरलीकरण का टॉपिक आता है दोस्तों किसका टॉपिक है ये सरलीकरण का तो सरलीकरण में से दोस्तों एक टॉपिक विभाजिता के नियम पर आधारित पूछा गया था ठीक है ये पिछले यानी पटवारी की जो पिछली परीक्षा हुई थी दोस्तों पिछली परीक्षाओं के ऊपर पुराने प्रश्न पत्रों के ऊपर आधार पर ये क्वेश्चन निकाले गए पीबी के साइड से तो एक ये क्वेश्चन हम लोगों से लिए पूछा गया था चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आइए जानते हैं कैसे करेंगे क्या लिखा हुआ है यदि एक नौ अंकों की संख्या जो संख्या कौन सी है दोस्तों तो वो है चार आठ नौ फिर उसके बाद एक्स है फिर तिरसठ मतलब सिक्स थ्री सेवन एट और वाई 9 तो अंकों की संख्या को संख्या में किससे दोस्तों बहत्तर से विभाज्य है ठीक है 9 अंकों की संख्या बहत्तर से विभाज्य मतलब सेवेंटी टू से दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए इसमें अब सेवेंटी टू से डिवाइड होना चाहिए तो अंडर रूट में एट एक्स प्लस सिक्स वाई का मान क्या होगा इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के लिए पूछा गया था बहुत ही बढ़िया हाँ बिल्कुल सर दीपिका जी पूरी पूरी कंप्लीट जो बुक का प्राइस है वो थाउजेंड रुपीज डिलीवरी चार्ज तो इस तरह से आपको पूरी बुक जो पड़ेगी वो ग्यारह सौ रुपए में आप लोगों को प्राप्त होगी बहुत ही बढ़िया चलिए तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले दोस्तों तो यहाँ पर आपको विभाजिता के नियम आने चाहिए यानी हम सेवेंटी टू से विभाजित करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका पूरा लेक्चर सीरीज आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप इसको और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हो देखिए सेवेंटी टू को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों तो तो दोस्तो. कि दोस्तो? को बहत्तर से डिवाइड होना है तो वो पक्का है कि नाइन से भी डिवाइड होना चाहिए और एट से भी डिवाइड होना चाहिए अब एट से विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों आठ से विभाजिता का नियम क्या है तो आठ से विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट लास्ट थ्री डिजिट लास्ट थ्री डिजिटी कितने दोस्तों आठ से विभाज्य होनी चाहिए और नौ से विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों नौ विभाजिता का नियम क्या है कि सम जो होता है सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए दोस्तों नाइन से डिविजिबल होना चाहिए यानी सारे अंकों को अगर हम जोड़ेंगे और नो से भाग जा रहा है तो इसका मतलब उस संख्या में नौ से भाग जाएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोस्तों चलिए आइए जानते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे मजा आ रहा है तो जरा फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चलिए 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 बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहली बात हम आठ का रूल लगाते हैं कि से से कैसे तो डिवाइड करने के लिए लास्ट के तीन डिजिट देखें तीन तो डिजिट देख ली दोस्तों इन लास्ट के तीन डिजिट में आठ से डिवाइड होना चाहिए चलिए आठ से डिवाइड करके देखते हैं इसमें तो सेवन एट और वाई लिखा हुआ तो वाई मान लेते हैं अब इसमें दोस्तों हम किससे डिवाइड करके देखते हैं से तो नाम टाइम में में ये कैंसिल होगा दोस्तों यहां से बचाएगा छ अब देखिए यहां पर आया वाई अब दोस्तों वाई आया है अपन ने तो अगर आठ इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यहां पर वाई की पे क्या होना चाहिए तो दोस्तों आठ की टेबल पे हम सोचे

24 और 7 को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 31 24 और 7 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 फिर से फिर से फिर से करके देख लीजिए यहाँ पर 8 और 4 12 8 और 4 12 12 और बारह 24 24 और 7 को दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 31 अब इस 31 में दोस्तों हमको किससे भाग देना होगा नो से तो नौ एकम नौ अट्ठानिया सत्ताईस नौ चौ छत्तीस ठीक है तो नो तिया सत्ताविस और नो चौक छत्तीस दोस्तों अगर इसमें यहाँ पर आप यानी क्या होना चाहिए घटा तो च... दूंगा तो पांच बच जाएगा यानी हम बोल सकते हैं कि अगर इसे एक्स की जगह पर पांच और हो जाए पांच और एड हो जाए तो छत्तीस हो जाएगा यानी एक्स की प्लेस पे दोस्तों कितना आ जाएगा हम लोगों को पता चल गया कि एक्स के प्लेस पे पांच आना चाहिए अब बस इस फॉर्मूले में हम दोस्तों इसको रख देते तो में 8 X की वैल्यू कितनी है तो एक्स की वैल्यू हमने पांच निकाल ली फिर 6 और वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों तो वो हमारी चार निकल गई है तो यहां कितना हो जाएगा अठा पंजे चालीस हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा छे चौ छे चौ चौबीस इसको जोड़ देंगे तो अंडर रूट में 64 हो जाएगा दोस्तों 64 का अंडर रूट आठ होता है, है। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आई होप अब चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से यह क्वेश्चन करना है दोस्तों तो इस तरीके से देखिए पटवारी ऐसे ही बात नहीं है कि पटवारी में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों जो टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं तो पटवारी में कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो बिल्कुल समय पर आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करना है तो आई होप इसका तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा विभाजिता के नियम अगर आप लोगों को आते हैं भाग देने के नियम अगर आप लोगों को आते हैं दोस्तों तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों तो ये भी हम लोगों को कौन से सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया है अब सिंप्लीफिकेशन से क्या क्वेश्चन है सरलीकरण से मतलब इसको सरल करना है अब सरल करना है तो दोस्तों सिंपली हम इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहो तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ तो दो बटे तीन इंटू में चार बटे छाँच बटे तीन इंटू में सात बटे दो है फिर माइनस का ग्यारह बटे चार इंटू में चार बटे तीन अब दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं देखिए तो देखिए दो से ही ये कैंसिल हो रहा है दो एकम तो दो छ इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा

तो तीन का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे दो का ऊपर मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर हो जाएगा आठ छिया अठारह और तीन का पैंतीस में अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो दोस्तों पैंतीस इंटू तीन करते हैं पांच तिया पंद्रह के पांच कह रहा है तीन तिया नो और एक दस यानी कितना हो जाएगा दोस्तों एक सौ पांच अब यहां पर करेंगे तो तीन छंग अठारह जो कि ऊपर जाके सिक्सटी सिक्स हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जुड़ जाएंगे तो आठ और पांच तेरह मतलब एक सौ तेरा माइनस ते दोस्तों अठारह इसमें से अब घटा देते हैं इसमें से दोस्तों अगर हम घटा देंगे ना तो तेरह में से छह जाएंगे तो सात बच जाएंगे ठीक है तेरह में से यहां से क्या करा हमने हमने घटा दिया तो कितना बच जाएगा दोस्तों सात बच जाएगा हमारे पास ठीक है हाँ तेरह में से छह जाएंगे तो सात बच जाएगा अब चूंकि दोस्तों यहां पर जीरो हो गया है ठीक है तो दस में से छह गए तो चार बच जाएगा यानी डिवाइड बाय एटीन यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्टी सेवन डिवाइड बाय एटीन बहुत बढ़िया करिश्मा जी क्या है बहुत बढ़िया ज्योति जी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो इस तरीके से देख सकते हो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एस के पटेल जी बहुत खूब तो सैतालीस बटे अट्ठारह इसका करेक्ट आंसर है बहुत इसी तरीके से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस करते चलिएगा कर तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों हमने क्वेश्चन किया चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपत एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के के वर्गों का योग दोस्तों कितना है शून्यकों के वर्गो का, योग कितना है? के का मान अब दोस्तों यहां पर आपको करेंगे, तो इसके आंसर्स क्या होंगे तो दोस्तों वो आंसर्स जनरली हम क्या मान लेते हैं कि एक आंसर है अल्फा और एक आंसर है बीटा अब दोस्तों यहां पर पास तो हमारे पास में बहुपद कितना दिया बहुपद दिया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के

यानी फॉर्मूला होता है, तो दूसरा हमारे पास में क्या होता है? के गुणनफल का तो शून्य के गुणन बीटा इज़ इक्वल टू होता है दोस्तों अपॉन है अच्छा अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल कितना है दोस्तों तो यहाँ से ये बी की वैल्यू भी कितनी है माइनस आठ तो माइनस से माइनस आठ बजेगा चूंकि नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आगे अच्छा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन है तो सी की वैल्यू तो है के ए की वैल्यू है वन तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों के आ जाएगी अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि शून्यंकों के देखिए ये समझिए शून्यकों के तो शून्यकों का अपन ने ये माना तो इनके वर्गों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का योग दोस्तों 40 दे दिया अब के का मान पूछा है इसने अब के, के हमसे पूछा है तो तो दोस्तों तरीके से करेंगे तो देखिए हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, का प्लस बी का प्लस टू ए होता है तो क्या ए प्लस बी की वैल्यू है हा है हमारे पास आठ तो दोस्तों यहाँ पर हम रख सकते हैं आठ का क्या इसकी वैल्यू है चालीस हाँ, इंटू में टू क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है अब यहां पर यह हो जाएगा 64 यहां पर हो जाएगा 40 2 और यहां पर के इसको इस तरफ ले आएंगे दोस्तों तो ये घट जाएगा 4 बच जाएगा बच यानी मतलब दो से इसे कैंसिल करेंगे तो के वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी बारह यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अंकुर उपाध्याय जी ट्वेल्व इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया ठीक है देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे बहुत ही बढ़िया दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बारह इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत ही बढ़िया दोस्तों मजा आ रहा है तो जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए विनोद कुमार विनोय कुमार झा जी बहुत बढ़िया बारह इसका करेक्ट आंसर तो दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ये वाला याद हो

आप ऐप का ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों उसके माध्यम से आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो हमारे टेक्सेसरीज परचेज कर सकते हो पटवारी की क्लासेस परचेस कर सकते हो और दोस्तों साथ ही साथ में फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है अगला प्रश्न क्या है कि जब एक संख्या को उसके पांच के हाँ उसके पांच के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए चलिए दोस्तों तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहली बात तो वो संख्या जो संख्या अपने को मानना है ना कि वो उसने बोला है कि किसी संख्या तो वो संख्या को अपन क्या मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या को एक्स मान लेते हैं अब क्या लिखा हुआ है तो किसी संख्या तो किसी संख्या संख्या में उसके पांच के गुणज तो पांच के गुणज मतलब पांच का एक्स में गुणा कर दो और उसके वर्ग तो दोस्तों इसी यानी इसी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग करके इसको जोड़ दू साथ ही साथ में इन तीनों, और इन तीनों तीनों का मतलब क्या है दोस्तों वो संख्या जो है वो संख्या को जोड़ दू तो इस तरीके से उस पूरे संख्या का योग कितना आता है दोस्तों 90 वन आता है यही तो प्रश्न में लिखा हुआ है देखिए फिर से समझिए जब एक संख्या जब एक संख्या को उसके पांच के गुणज और उसके वर्ग करके जोड़ा जाता है तो इन तीनों का योग इन तीनों संख्याओं का योग इंक्यानवे आता है चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क् और यहाँ पर पांच एक्स और एक कितना हो बराबर अब दोस्तों सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है या तो आप इसे क्या कर सकते हो दोस्तों आप इसमें से वैल्यू पुट अप कर करके देख सकते हो तो देखिए हालांकि देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर सेवन एक्स की जगह सेवन रखता हूँ तो जैसे ही मैं सेवन रखूंगा तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पर सिक्स इंटू सेवन हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर छत बयालीस ठीक है दोस्तों जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो नो और दो ग्यारह चार और चार आठ और एक नौ यानी इंक्यानवे के बराबर इंक्यानवे आ गया इसका मतलब हमने जो एक्स की वैल्यू पुट अप करी है वो सही है तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बहुत खूब तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो बिल्कुल जरा सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों तो ये सारे पटवारी के देखिए बाद, बाद की जो पालियों में थोड़े से मुश्किल प्रश्न पूछे गए थे तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों ठीक है तो बिल्कुल मजा आ रहा है तो जरा जल्दी से लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न क्या है अब दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो हमसे किससे नाव धारा से संबंधित प्रश्न है यानी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दे दिया क्या लिखा हुआ है कि स्थिर जल में एक नाव की गति कितनी है दोस्तों चौदह किलोमीटर प्रति घंटा है यानी मैं क्या करता हूँ एक ये नदी बना देता हूँ इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर क्या है ये नाव है तो नाव स्थिर जल में इसकी गति कितनी है तो यानी ये अपने स्पीड ये चौदह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है यह धारा की दिशा में दोस्तों तो धारा की दिशा में मतलब धारा इस तरफ बह रही है तो इसी दिशा में एक घंटे पैतालीस मिनट में अट्ठावी किलोमीटर जाती है ठीक है एक घंटे पैतालीस मिनट में दोस्तों कितने किलोमीटर जाती है अट्ठारह अट्ठावीस किलोमीटर जाती है तो धारा की गति निकालना है हमको चलिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे चलिए तो फिलहाल हमको ये देखिए इसकी गति धारा की गति नहीं पता है ठीक है इसकी गति तो पता है तो नदी की गति को अपन फिलहाल 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 के लिए अपन क्या मान लेते हैं तो इसको y मान लेता हूं आप x भी मान सकते थे तो जैसी आपकी इच्छा है क्लियर अच्छा अब ध्यान से देखिएगा थोड़ी चीजों को अच्छी तरीके से समझिएगा यहां पर बार बड़ा अच्छे से देखिए थोड़ा सा अपन क्या है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ समझने की दृष्टि से इसको करें तो किस तरीके से कर पाएंगे चलिए बहुत बढ़िया सर टॉपिक वाइज कब कराओगे मैथ्स तो प्रदीप शर्मा जी टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आपको सारी चीजें पढ़ना है तो प्ले में जाइए वहां पर पूरा मैथमेटिक्स 138 वीडियो के साथ टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने पढ़ा के रखा है तो आप वहां से आसानी से कर सकते ठीक है तो दोस्तों चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है कि सबसे पहली बात तो यहां पर क्या है कि अगर ये धारा के साथ में जाती है तो धारा के साथ में दोस्तों चाल कितनी जाएगी तो धारा के साथ में हमेशा बोट की चाल और नदी की चाल बढ़ जाएगी यानी चौदह प्लस वाय हो जाएगा यही बात हो जाएगी ठीक है अब चौदह प्लस वाय हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें नदी की भी मतलब क्या हो जाएगा किसकी चाल नाव की चाल और नदी की चाल को हमने क्या कर दिया एड कर दिया ठीक है अब उसमें क्या लिखा है कि यह कितने कितने दोस्तों कितने एक घंटे पैंतालीस मिनट में अट्ठावन किलोमीटर जाती है तो हम लोगों को एक सॉरी अट्ठावी किलोमीटर जाती है तो दोस्तों अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है किसका क्या पता है कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय यही होता है ठीक है अब लेकिन यहां पर हम लोगों को दोस्तों अगर प्रश्न में देखा जाए तो दूरी भी दे रखी है दूरी कितनी दे रखी है ट्वेंटी किलोमीटर और दोस्तों यहां पर समय समय के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए समय बस आपको बदलना होगा कि एक घंटे और पैंतालीस मिनट तो एक घंटे मिनट तो 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 अब इसे 15 से कैंसिल कर सकते पंद्रह 45, 15 चौके साठ अब अब इसे सॉल्व करना आता होगा एक सही तीन बटा चार हो गया दोस्तों ये अब इसे सॉल्व करेंगे तो चार एकम चार और तीन सात ये हो जाएगा सात बटे चार अब इसमें रख देते तो चाल कितनी है दोस्तों तो चाल है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस वाई। दूरी कितनी है दूरी है दोस्तों किलोमीटर और समय कितना है समय है दोस्तों ये खा चार। चार के ऊपर चले जाएगा तो चौदह प्लस वाई और चार को ऊपर तो चौदह इंटू में सॉरी 28 28 है अट्ठावी अट्ठावी इंटू चार डिवाइड बाय सात तो यहां से इसे कैंसिल करेंगे दोस्तों तो सात चौक अट्ठावी चार चौक सोलह और चौदह चूंकि देखे देखिये सोलह सोलह बचा था और चौदह इधर जाके माइनस तो हो जाएगा तो दोस्तों इसकी सही है इस रफ्तार कितनी आ जाएगी तो टू किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी या नहीं की धारा की चाल कितनी होगी दोस्तों दो किलोमीटर प्रति घंटा होगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों तो इसका करेक्ट उपाध्याय जी बहुत खूब ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिल्कुल मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए ठीक है बहुत बढ़िया एक घंटे सोलह सोलह मतलब एक घंटे में सोलह किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में बारह घंटे में अच्छा ऐसा कुछ भी बता दिया है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चलिए ही खूब तो इस तरीके से से आप आसानी क्वेश्चंस कर सकते हो दोस्तों तो दो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी ना देखिए धारा की चाल होगी चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न भी दोस्तों क्या है कि अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है यहां पर ये आप लोगों को ये आपको लोगों को दोस्तों यानी बहुपद का ही प्रश्न है ठीक है तो बहुपद से संबंधित एक प्रश्न दिया था अगर आपको टेंथ क्लास में कुछ-कुछ याद हो दोस्तों हम पहला अगर हमारे पास में एक आता था कि हमारे पास में दो समीकरण है जैसे क्या है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो दोस्तों इसमें सबसे पहली एक कंडीशन आती थी हम लोगों के लिए जिसे हम कहते थे अद्वितीय हल अद्वितीय हल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन ये होता है यूनिक सॉल्यूशन दूसरा हमारे पास में कंडीशन होती थी दोस्तों जिसको बोलते थे हम नो सॉल्यूशन ठीक है नो सॉल्यूशन यानी हिंदी में बात करें तो कोई हल नहीं है ठीक है अब कोई हल नहीं है और तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन क्या बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन यानी जिसको बोलते हैं क्या अनेक हल है या अनंत हल है तो दोस्तों पहले अद्वितीय हल के कंडीशन क्या बनती है तो इसमें बनती है ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू और दोस्तों नो no सॉल्यूशन की क्या बनती है ए वन अपॉन में बी टू बट नॉट इक्वल टू सी टू ये बनती है ए वन अपॉन में बी टू प्लस सीवन अपॉन में सी टू ये कंडीशन अगर ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो तो दोस्तों प्योरली प्योरली ये टेंथ क्लास का है ठीक है तो ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए ठीक है अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि सबसे पहली बात तो अपने को ये दो इक्वेश में दे रखी तो ये टू वाई दे रखा है फिर उसके बाद दे रखा है के -y 2। ये दो इक्वेशंस दे रखी और क्या बोला है कि इसका एक अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल है यानी पहला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यानी एक्स कोफिशिएंट हमने क्या ले लिया सिक्स बाय के और नॉट इक्वल टू क्योंकि अद्वितीय हल के लिए नॉट इक्वल टू फिर पर कितना है माइनस टू बाई डिवाइड बाई वाई का इसको कैंसिल कर देंगे दोस्तों इसको इस तरफ ले जाओ इसको तो 6 6, और यहां पर नॉट इक्वल टू टू के से इसे कैंसिल कर देंगे थ्री तो के इक्वल टू थ्री यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ललिता गहलोत जी बहुत बढ़िया ठीक है डिपल सोनी जी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा विनोद विनय कुमार झा जी ऑप्शन तो से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था ये प्योरली टेंथ क्लास का क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों अद्वितीय हल है अनेक हल है कोई हल नहीं है क्वेश्चन पूछे गए थे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न क्या है दोस्तों तो अगला प्रश्न ये जो है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ठीक का है यानी समय और कार्य का क्वेश्चन है क्या पूछा गया है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं ठीक है बी और सी एक साथ 25 दिन में करते हैं ठीक है थीके? मतलब देखिए बी और सी एक साथ 25 दिनों में करते हैं ठीक है थीके? पहले 6 और 8 दिन पहले छे और आठ दिन क्रमशः ए और बी के द्वारा कार्य किया गया ठीक है ए के चले जाने के बाद सी में सी कार्य में शामिल हो जाता है और सी कार्य को चालीस दशमलव पांच दिनों में पूरा करता है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों तो ऐसे का से इसे बताया है कैसे करेंगे दोस्तों? इसको प्रॉपर पढ़ने के लिए आप प्ले में जा सकते हैं वहां पर टाइम एंड वर्क वर्क का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए चलिए अब कैसा जैसा जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा हम बना लेते हैं कि ए और बी एक साथ तो a plus b एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं b और c तो दोस्तों b और कोई एक c व्यक्ति है जो मिलकर कितने दिन में 25 दिन में काम को पूरा करते हैं अब क्या है कि दोस्तों ये अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली फुर्सत में इनका आप क्या निकाल लीजिए lcm निकाल लीजिए चलिए इनका lcm निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका इसका lcm 5 से 5 25 पा... पचम पच्चीस पांच चौक बीस यानी दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दो सौ इसका एलसीएम आ जाएगा ठीक है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दो सौ यानी टोटल वर्क कितना है दोस्तों ये दो सौ यूनिट का वर्क है अब दोस्तों इसमें से अपन इसे घटाते हैं मतलब या इसे डिवाइड करते हैं तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट का काम कर देगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो के अंसर चारा पंजे बीस यानी ये पांच यूनिट का काम करेंगे अच्छा बी और सी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट का काम कर सकते हैं दोस्तों तो पच्चीस अठे दो सौ आठ यूनिट का काम कर सकते हैं इतनी बातें तो हम सभी लोगों को समझ में आ गई ठीक है अब आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि पहले छे और आठ दिन क्रमशः ए और बी के द्वारा कार्य किया गया तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहां से क्या करना पड़ेगा ए और बी का काम निकालना पड़ेगा ठीक है चालीस दिन में पूरा करते हैं बी और सी एक साथ पच्चीस दिन में पूरा करते हैं पहले छे और आठ दिन क्रमशः ए और बी के द्वारा करा मतलब ए ने ने अकेले काम किया फिर बी ने अकेले ने काम किया चलिए तो दोस्तों यहां से अपन क्या करते हैं इसमें से मैं फिलहाल क्या करता हूं यहां से बी और सी का आपने को दे रखा है ठीक है तो इसमें से फिलहाल मैं क्या करता हूं दोस्तों इसे घटा देता हूं ठीक है इसमें से इसको घटा देंगे तो जैसे ही हम इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए यहां पर चीजों को अच्छी तरीके से समझिए इस वाली इक्वेशन में से मैं इस वाली इक्वेशन को घटा देता हूं तो यहां से बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा अब क्या बच जाएगा तो हमारे पास में बच जाएगा सी माइनस ए और ये कितना आ जाएगा तो इसमें से इसको आठ में से पांच घटाऊंगा तो दोस्तों तीन अब दोस्तों यहां पर अपने पास तीन इक्वेशन आ गए इन तीनों इक्वेशन में से कहीं ना कहीं अपने को क्या करना होगा कि किसी एक एक का ए का मान निकालना होगा बी का मान निकालना होगा चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये पटवारी में फिर से अब यहां पर अपन इसको क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं चलिए अब इसको समझते हैं ठीक है इसमें से हमने इसको घटा दिया अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों यहां पर इसे करने के लिए चलिए इसमें से इसको हमने घटा दिया है तो सी माइनस ए का काम अपने को तीन दिन आ गया है अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हमको ए और बी की और सी की तीनों की अलग अलग वैल्यू हम लोगों को दोस्तों पता चल, पता लगनी चाहिए ठीक है चालीस दिन में पूरा करते हैं बी और सी एक साथ पच्चीस दिनों में पूरा करते हैं पहले छ और आठ दिन क्रमशः ए और बी कार्य करता है मिनट दोस्तों यहां पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक है यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि बी और सी के साथ में सी और ए का भी हम लोगों को यहां पर काम देना था तो यहां कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ये मिस्टेक का क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा यहां पर इसे तो यहां पर मिस्टेक है ठीक है

चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो कुछ ना कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक है दोस्तों पर इस क्वेश्चन में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि छह संख्याओं का औसत कितना? कितना है बत्तीस है यदि पहली तीन संख्याओं में प्रत्येक में दो की वृद्धि कर दी जाए और शेष में शेष संख्याओं में से शेष तीन संख्याओं में चार की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों तो देखिए औसत का फॉर्मूला हम लोग फिलहाल तो जानते हैं कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों तो औसत का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है योग बटे में संख्या यही फॉर्मूला होता है औसत का अब दोस्तों योग हम कैसे निकाल सकते हैं तो योग निकालने के लिए अगर हम क्या कर सकते हैं कि औसत में अगर उसकी संख्या का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमको योग प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब छह संख्याओं का औसत उसने दे रखा है तो दोस्तों छह संख्या का हम छह संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं योग निकाल सकते हैं अब छह संख्याओं का योग निकाल सकते हैं तो दोस्तों किस तरीके से निकाल लेंगे बत्तीस इंटू छ कर देंगे तो बत्तीस इंटू छ कर देंगे तो छह संख्याओं का हमें योग प्राप्त हो जाएगा जैसे छह दुनी बारह की दो कैरी आ जाएगा अठारह और एक उन्नीस यानी वन नाइनटी टू इनका योग हो जाएगा अब आगे क्या लिखा है कि इसमें से प्रत्येक तीन संख्याओं में दो दो की वृद्धि कर दी जाए ठीक है अब दोस्तों यहां पर आप चीजों को समझते जाइएगा कि प्रत्येक संख्या में कितने की तीन संख्याओं में दो दो की वृद्धि हुई इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोस्तों इसमें तीन की वृद्धि हो जाएगी तो तीन संख्या में दो की वृद्धि यानी छह नंबर की वृद्धि हो जाएगी फिर आगे क्या लिखा हो कि शेष संख्याओं में इससे कितने की चार की कमी कर दी जाए मतलब दोस्तों बची हुई तीन संख्याओं में चार की कमी और कमी के लिए दोस्तों माइनस बस इसे आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 192 नाइनटी टू तीन दूनी छह और चार दोस्तों कितना बारह कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का छि वन 192 टू में से घटा देंगे तो दोस्तों हमारे पास में कितना हो जाएगा तो हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा छ बच जाएगा और यहां पर आठ यानी वन आ जाएगा दोस्तों अब 186 तो दोस्तों संख्याओं का योग हमको पता चल गया तो छह संख्याओं का योग 186 योगी इसका नया औसत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस योग में अगर का डिवाइड कर दूं तो वो नया औसत प्राप्त हो जाएगा क्योंकि औसत का फॉर्मूला ही क्या होता है योग बटे में संख्या छह से इसे डिवाइड कर देते हैं दोस्तों तो छह दूनी अठारह और यानी इसका करेक्ट आंसर कितना छे तिया अट्ठारह होता है सॉरी छिया अट्ठारह और यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया इकतीस इसका बिल्कुल राइट आंसर है वंदना रजावत जी बिल्कुल इकतीस इसका करेक्ट आंसर है ठीक है बहुत खूब दोस्तों इसका 31 बिल्कुल सही जवाब है ठीक है हाँ बिल्कुल इसकी इसकी सारे जितने भी क्लासेस अभी चल रही है उसकी प्लेलिस्ट भी दोस्तों बनी हुई है आप उसको सारे प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो पढ़ सकते हो दोस्तों यहाँ पर सारे लेक्चर वाइज लेक्चर भी नाइन लेक्चर हो चुके हो इसकी भी प्ले लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न ऐसा है कि तीन धावक एक वृत्ताकार पथ पर तोड़ रहे हैं तीन धावक है भैया जो एक वृत्ताकार पथ पर तोड़ रहे हैं ठीक है वृत्ताकार पथ पर तोड़ रहे हैं दोस्तों वो यहां से शुरुआत करते हैं अब ए एक चक्कर लगाने में यानी यहां से यहां तक वापस आने में जो पहला धावक है ए मान लेते हैं ये कितना समय लगाता है दोस्तों तो 20 का लगाता है। दूसरा धावक जो यहां से वापिस यहां तक आने में कितना समय लगाता है तो ये तीस मिनट का समय लगाता है और तीसरा धावक है सी जो वापस वहां तक मतलब पहुंचने में या पूरा चक्कर लगाने में पैंतीस मिनट का समय लगाता है अब क्या होगा कि वे तीनों के तीनों यानी ए बी सी अब तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि ए बी और सी तीनों के तीनों एक साथ यहाँ से दौड़ना शुरू किए अब जैसे एक साथ दौड़ना शुरू किए तो ऑब्वियस बात है दोस्तों कि यहां पर क्या हो जाएगा कि सी जो है मतलब ए की गति तेज होगी समय कम है तो ए आगे निकल जाएगा बी उसके पीछे सी उसके पीछे अब दोस्तों घूमते 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 भैया ऐसा कितना समय होगा कि वे सभी के सभी प्रारंभिक बिंदु पर फिर से यहीं के यहीं इकट्ठे हो जाएंगे दौड़ते दौड़ते ऐसा कितने समय लगेंगे तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था बस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के इस प्रश्न के जरिए आप लोगों से इसका एलसीएम पूछा गया था तो आप इन सभी नंबर का क्या निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों तो देखिए मैंने इसका एलसीएम निकालने की आपको लोगों को, दो -दो को, को डिवाइड दो -दो तो करते हैं यानी इन दोनों का एलसीएम अपन लेंगे तो सिक्सटी आ जाएगा अब साठ और पैंताली पैतीस का तो दोस्तों पंद्रह से पांच से कैंसिल हो जाएगा तो पानो सत्तो पैंतीस हो जाएगा पंद्रह एक ठीक है अब यहां से छह सात बयालीस यानी दोस्तों कितना छह सात बयालीसौल दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा लेकिन ये मिनट में आया अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर घंटे में भी है तो इसको अपन क्या करते हैं कितने से हम इसे साठ से डिवाइड कर देते हैं आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो जीरो से ही जीरो कांसर छह सात बयालीस यानी इसका सही जवाब कितना आ जाएगा सात घंटे बाद यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो बहुत बढ़िया दोस्तों तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोगों को बस विशेष ध्यान रखना क्या था कि बस पूछा गया था यहाँ पर एलसीएम निकालना कि एलसीएम किस तरीके से किया जाएगा बस एलसीएम आता है कि नहीं आता है इस तरीके से हो जाएगा अच्छा वंदना रावत जी बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं वो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी इंग्लिश नहीं मिली है या इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वहां से हटा दिए थे ठीक है बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंग्लिश है बहुत बढ़िया दोस्तों मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर कितना है कि सात घंटे बाद ऐसी कंडीशन बनेगी कि वो तीनों के तीनों वापस एक साथ होंगे और प्रारंभिक बिंदु पर भी होंगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है कि दोस्तों तो यहां पर ये है हमारे पास में किससे लाभ हानि बट्टे का प्रश्न है दोस्तों लाभ हानि और बट्टा इसकी भी प्लेलिस्ट दोस्तों आप लोगों को लो या दीप्त सिंह एकेडमी पर मिल जाएगी क्या लिखा है कि व्यापारी ए 25 प्रतिशत की एकल छूट देता है ठीक है और व्यापारी बी जो है वो वस्तु पर 20 प्रतिशत और पिचानवे पांच प्रतिशत की दो क्रमागत छूट देता है अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा चलिए दोस्तों तो वस्तु का मार्केट प्राइस तो अब दोस्तों सबसे पहले बात तो मार्केट प्राइस पहला तो जो पहला वाला जो ग्राह पहला वाला व्यापारी है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा तो इस हंड्रेड परसेंट पर ही छूट देता है तो पच्चीस प्रतिशत की अगर उसने छूट दी है दोस्तों पच्चीस की छूट दी मतलब पैसा दो बार छूट तो सबसे, पहले, सबसे पहले उसने वस्तु पर बीस प्रतिशत की छूट दी यानी दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा सबसे पहले बीस प्रतिशत की छूट दी तो छूट का मतलब वो होता है कि वो पैसा जो हमने नहीं कमाया या अगर ग्राहक के नजरिए से देखा जाए तो दुकानदार को नहीं दिया लेकिन बीस प्रतिशत पैसा नहीं दिया तो अस्सी प्रतिशत पैसा तो दिया होगा फिर आगे चल के इस अस्सी प्रतिशत के ऊपर फिर पांच परसेंट का और डिस्काउंट दिया यानी अस्सी परसेंट पैसा में से मतलब ध्यान से पैसे की छूट फिर से मिल गई फिर से कितना मिला होगा नाइन फाइव परसेंट पैसा उसने दिया होगा बात सभी को समझ में आई तो इसको अपन ने क्या कर लिया इसको 95 इस तरीके से कर लिया अब दोस्तों यहां से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं तो से होता है दोस्तों तो छिहत्तर यानी सेलिंग प्राइस इसका बी का कितना हो जाएगा छियतर प्रतिशत अब आगे प्रश्न में उसने क्या बोला है कि ए के द्वारा दी गई छूट और बी के द्वारा दी गई छूट में चार सौ बीस रुपए का अंतर है इसका मतलब दोस्तों सीधी सी बात है ये अंतर दे रखा है इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि छिहत्तर वाली छूट छिहत्तर वाली छूट में से अगर पिछहत्तर वाली छूट ये दोनों सेलिंग प्राइस है इसको घटा देंगे तो दोस्तों एक परसेंट डिफरेंस आ जाएगा और वो एक परसेंट डिफरेंस किसके बराबर होगा तीन सौ

बहुत बढ़िया दोस्तों मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर शेयर कर, कर दीजिए तो सही है करिश्मा जी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ना कि ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न है हमारे सामने कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों कितना है वन थ्री वन थ्री एट सेवन ठीक है इतना है तथा उनका महत्तम समापवर्तक सैतीस है दोस्तों तो देखिए हमको क्या दे रखा है इसका एलसीएम दे रखा है एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों वन थ्री वन थ्री एट सेवन और एस कितना दे रखा है और वो कितना दे रखा है 37. अब उसमें से एक संख्या दे रखी है दोस्तों तो इसके लिए एक हम किसके बराबर होता है तो दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल होता है तो दो संख्याओं, का उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का आप गुणा कर दोगे तो निकल जाएगी अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये लिख सकते हैं यानी पहली संख्या दोस्तों अगर मैंने X मान ली दूसरी संख्या अब इसका एलसीएम हम लोगों को भी पता है एस भी पता है तो ये इस तरीके से हम फिलहाल फॉर्मूला बना सकते हैं अब देखिए दोस्तों सारी वैल्यूज इसमें रख लेते हैं तो पहला एक्स की संख्या अपने को दे रखी है कितनी दे रखी है तेरह तेरह एट सेवन सॉरी ये तो एलसीएम था ठीक है चलिए तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख लेते हैं तो एलसीएम कितना है तेरा तेरह आठ सात इन में एस कितना दे रखा है दोस्तों और इक्वल टू में एक मतलब एक संख्या अपने को कितनी दे रखी है तो एक संख्या अपने को दे रखी है दोस्तों कितना वन नाइन सिक्स वन और दूसरी संख्या अपने को निकालना है चूंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में दोस्तों तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ठीक है अब मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आप सभी लोग इसका मल्टीप्लीकेश इसका डिविजन तो कर ही लोग ठीक है ये तीन बार में मतलब तो करीब करीब ये 21 बार में कंसर होगा इस तरीके से कर लोगे दोस्तों तो इसका पूरा जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी दूसरा अंक कितना आ जाएगा तो टू फोर सेवन नाइन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा तो आप इस तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हो दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोस्तों मजा आ रहा है तो फटाफट -पट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया ठीक है आप इसे आसानी से कर सकते हो बहुत ही खूब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये दोस्तों क्वेश्चन था हमारा एल सी एम एस सी एफ पर बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न क्या है तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो हमारे पास समय और दूरी पर आधारित प्रश्न है यानी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है अब टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कैसे करेंगे दोस्तों चलिए कैसे करेंगे चलिए आगे करते हैं। तो छह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में छ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करने में एक व्यक्ति को पचास मिनट का समय लगता है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो वह दूरी तय करने में कितना समय लेगा चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो दोस्तों सबसे सबसे पहली बात ठीक है कि यदि तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों तो यहां से पहले पहले से? पहली कंडीशन से तो फर्स्ट कंडीशन में उसकी चाल दे रखी है अपने को चाल कितनी दे रखी है दोस्तों तो चाल दे रखी है कि जब वो छे किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है छह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ठीक है तो एक व्यक्ति एक किसी दूरी को तय करने में समय हमको दे रखा है दोस्तों और समय कितना दे रखा है तो ये पचास मिनट का समय लगाता है अब पचास मिनट का समय हमको दोस्तों तो इसको अपन क्या कर सकते हैं आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो इसको इससे कन्वर्ट कर देंगे तो पांच बटे छ आवर का इसको समय लगता है ठीक है क्लियर इतनी बात सभी को समझ में तो चलो दोस्तों यहां से हम दूरी निकाल लेते हैं तो वो दूरी कितनी है तो दूरी का फॉर्मूला होता है समय

अब दूरी कितनी है पांच किलोमीटर की दूरी है चाल कितना पूछा गया दोस्तों दस किलोमीटर पर आवर यानी इसको हम कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों एक बटे दो किलोमीटर पर सॉरी एक बटे दो आवर आ जाएगा चूंकि समय निकाला है ना तो आवर आ जाएगा अब दोस्तों इसको ऑप्शन मिनट में दे रखे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब दोस्तों दो से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा तीस मिनट यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्टी मिनट तो उसको तीस मिनट का समय लगेगा बहुत बढ़िया दोस्तों तो इसका सही इसका सही सही जवाब जवाब कितना है ऑप्शन नंबर सी मिनट मिनट यानी का समय लगेगा प्रियंका बघेल जी थर्टी मिनट का इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया दोस्तों फटाफट से जरा जल्दी से मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए बहुत ही खूब थर्टी मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या है अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो तो दोस्तों बिल्कुल बस ये चीज अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों से इनडायरेक्टली उसने एलसीएम निकालने का बोला है तो इसका क्या होगा कि भैया एलसीएम का मतलब ही क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर लघुत्तम समाप्त वर्तक होता है इसका लघुत्तम का मतलब लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा कॉमन का मतलब इन सब में जो उभयनिष्ठ हो और मल्टीपल का मतलब क्या होता है जो सबको डिवाइड कर दे इनके मल्टीपल में हो चलिए तो इसका एलसीएम निकालने का बोला है तो देखिए बारह सोलह चौबीस और बत्तीस का एलसीएम तो देखिए दोस्तों यार, फिर से देख लेते हैं बारह फिर अगला नंबर है सोलह फिर चौबीस और फिर उसके बाद में बत्तीस देखिए दोस्तों तो तो के तो 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 भी छोड़ सकते हैं है अगर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आठ की टेबल से दोनों कट रहा है तो यहां पर अपन आठ एकम आठ आठ दूरी सोलह आठ या चौबीस अब तीन का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तीन दूनी छे और तीन किया नो यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम 96 आया है तो हमारा आंसर भी कितना होगा 96 और ये किस तरीके से मैंने ये निकाले हैं दोस्तों तो इसके लिए एलसीएम सी एस के टॉपिक प्लेलिस्ट में आप एलसीएम सी एस के टॉपिक में दा के देख सकते हो मैंने किस तरीके से एलसीएम निकालने की ट्रिक्स बताई थी एलसीएम निकालने के कुछ मेथड बताई थी दोस्तों तो उससे हम कर सकते हैं बाकी अगर आप चाहो तो दोस्तों ये तरीका भी आप आप लगा सकते हो ये तो बिल्कुल आप लोगों को आई होप सभी लोगों को आता होगा एलसीएम निकालने का ये वाला तरीका इससे भी आप एलसीएम निकाल के दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया नाइनटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी संख्या के दो गुने में बारह जोड़ दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के सात गुने से अड़तीस कम होता है चलिए तो संख्या अपन दोस्तों कितनी मान लेते हैं एक्स अब क्या लिखा है किसी संख्या के दो गुने में तो इसमें दो गुने में कितना जोड़ दिया जाए बारह जोड़ दिया जाए ठीक है तो परिणाम जो आता है ठीक है उस संख्या का तो परिणाम उस संख्या मतलब x है उस संख्या के सात गुने मतलब सात का गुणा कर देंगे से 38 38 कम कम है तो तो दोस्तों ये 38 कम मतलब माइनस कर दिया तो इस संख्या का वर्ग निकालना होगा चलिए तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते एकस -एकस वालों को एक तरफ ले लिया तो इसको इधर ले आएंगे तो सात में से दो एक्स जाएंगे तो पांच एक्स बच जाएगा अब चूंकि उसको इस तरफ ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस का बारह हो जाएगा छूट जाएगा यहां से तो कितना हो जाएगा दस और यहां पर हो जाएगा दोस्तों ये पचास अब माइनस से माइनस कैंसल इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी दस और दस का वर्ग कितना होता है दोस्तों तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी हंड्रेड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यानी इसका आप देखिए ना उसने संख्या का वर्ग पूछा था तो 10 का वर्ग तो सो ही होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्वाति जी बहुत बढ़िया जरा जल्दी जल्दी से से मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों बहुत ही खूब ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से था तो दोस्तों ये जो है वो अनुपात समानुपात का प्रश्न है ठीक है अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न है यानी तो को कर सकते हैं तो तो सकते हैं इसके मैं दो तरीके आप लोगों को बता सकता हूं चलिए सबसे पहला तरीका तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए चार जने ऐसे तीन जने दे दिए तो आप चाहो तो इसको दो दो करके पहले सॉल्व कर सकते तो आप इसको सेवन ए इक्वल टू में फोर बी यानी ए और बी के बीच का अनुपात निकाल लेंगे तो ए को इस तरफ ले आएंगे सात को इधर ले आएंगे तो सात बटे चार यानी ए और बी के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों चार बटे सात फिर इसी तरीके से बी और सी को उठा लीजिए तो बी और सी को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में फोर बी इज को इस तरफ ले आएंगे तो बी अपॉन में सी कितना हो जाएगा चौदह बटे चार. दो से इसे कैंसल कर देंगे कितना मिल गया है दोस्तों तो वो मिल गया है चार अनुपात सात अच्छा अब बी और सी के बीच का कितना लिखा तो बी को बी के नीचे लिख लेते हैं इनके बीच का अनुपात हमको बी और सी के बीच का अनुपात कितना देता है दोस्तों सात अनुपात दो अब आप देखोगे कि चूंकि ये नंबर सेम है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे ऐसा का कैसे लिख दिए चार सात और दो तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा चार सात दो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों बिल्कुल 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 बहुत ही बढ़िया तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार अनुपात सात अनुपात दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बड़े आसानी से दोस्तों इस क्वेश्चन को यहां से आप कर सकते हैं ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों तो अगला क्वेश्चन ये जो है हमारे पास में वो औसत से संबंधित प्रश्न था चलिए कैसे करेंगे कि तेरा परिणामों का औसत पैंसठ है तो दोस्तों तेरह परिणामों का हम योग निकाल सकते हैं ये तो बार बार में बता चुका हूं तो जब भी औसत दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन करके तो इनका क्या निकाल सकते हैं दोस्तों योग निकाल सकते हैं तो तेरह पंजे पैंसठ तेरह पंजे पैंसठ भी होता है तेरह छब्बीस तेतो चाहे ते बावन तेरह पंजे पैंसठ की पांच कैरी आ जाएगा हमारे पास में छह अब तेरह तेरह पंजे पैंसठ तेरस इठहत्तर अठहत्तर और छह को जोड़ेंगे तो दोस्तों एटी फोर आ जाएगा हमारे पास में तो ये आ गया अब आगे क्या लिखा है कि यदि पहले सात परिणामों का औसत पांसठ है यानी हम दोस्तों स्टार्टिंग सात का योग निकाल सकते हैं यानी हमारे पास में कितना दे दिया पांसठ इन में कितना कर देते हैं हम दोस्तों सात परिणाम तो सात सात का इसमें मल्टीप्लीकेशन सात दूनी चौदह के चार कैरी आ जाएगा वन छह सात बयालीस और एक तिरियालीस ठीक है सात दूनी चौदह बिल्कुल बढ़िया और छह सात बयालीस और एक तिरियालीस अब आगे क्या लिखा है अंतिम सात परिणामों का औसत तो अंतिम सात का भी हम औसत निकाल सकते हैं तो अंतिम सात का हम योग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो चलिए अंतिम सात का योग निकाल लेंगे तो हमारे पास में सिक्सटी सेवन उसका सम है औसत है और सात संख्या है तो सती सती उन पचास की नो कैरी आ जाएगा दोस्तों चार और छह सात बयालीस और चार हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों छियालीस क्लियर इतनी बातें सभी को समझ में अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न को अच्छी तरीके से दिमाग लगाइए तेरह संख्याएं लिखी हुई है यानी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इधर कर देता हूं ग्यारह बारह और एक और इधर कर देता हूं तेरह अब दोस्तों इन सब का तो सम हमने निकाल लिया अब शुरुआत की सात संख्या यानी एक दो तीन चार पांच छह सात यहां तक दे दिया ठीक है थीके? अब दूसरा अंतिम सा एक दो तीन चार पाँच छ सात तो दोस्तों ये यहां तक ये। इतनी बात सभी को समझ में अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक नंबर कहीं ना कहीं दो बार ऐड हो रहा है इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इस पूरे नंबर नंबर को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर दो बार होगा और दो बार में से इस पूरे तेरह का सम को माइनस कर देंगे तो हमको सातवां अंक मिल जाएगा यानी हम क्या करते हैं दोस्तों इन दोनों नंबर को पहले मैं ऐड कर देता हूं तो नो और चार कितना हो जाएगा कैरी आ जाएगा वन यहां पर हो जाएगा दस क्या दिया जाएगा वन और दोस्तों ये नौ आ गया अब नौ में से मैं आठ को माइनस कर देता हूं क्योंकि तेरह का सम घटा देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों तेरह में से पांच जाएंगे तो आठ बच्चा ठीक है नौ में से चार जाएगा तो दोस्तों पांच बचाएगा और यहां तो ये कैंसर भी आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी एट होगा यानी वो सातवां अंक फिफ्टी एट होगा ठीक है बहुत ही बढ़िया ठीक है समझ में आया ना तो फिफ्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जा जल्दी जल्दी से तो -फड़ से मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों बहुत ही खूब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि गलत भार का उपयोग करके दोस्तों एक व्यक्ति है जो गलत गलत तरीके से चीजों को उपयोग करता गलत भार का उपयोग करके एक दुकानदार सब्जी खरीदते समय भी गलत गलती करता है गलत करता है और बेचते समय भी गलती करता है पच्चीस प्रतिशत सीमा तक छल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत याद करना है मतलब दोस्तों खरीदते टाइम खरीदते टाइम 25 परसेंट पैसा कम देता होगा और बेचते टाइम कितना करता है दोस्तों 25 परसेंट परसेंट पैसा ज्यादा लेता होगा यही बात तो हो गई ठीक है तो देख लेते हैं दोस्तों तो मान लेते हैं दोस्तों जो टोटल सब्जी है वो सौ रुपए की आती है अब खरीदते टाइम ध्यान से देखिएगा कि खरीदते टाइम तो खरीदते टाइम यानी सो रुपए की सब्जी को वो कितने 25 परसेंट की छूट कर, मतलब क्या करता है पच्चीस परसेंट कम पैसा देता है यानी सो रुपए की चीज को वो रुपए में खरीदता होगा पच्चीस परसेंट का क्या होता है 25 परसेंट की वो गलती कर गलती करवाता है मतलब 25 परसेंट पैसा कम देता होगा सामने वाला मतलब सो रुपए की चीज को पिचहत्तर रुपए में खरीद लेता है फिर लेकिन बेचते टाइम ठीक है बेचते टाइम यानी सेलिंग प्राइस तो दोस्तों सेलिंग प्राइस यानी सौ रुपए की चीज को वो पच्चीस परसेंट ज्यादा में बेचता है यानी कितने रुपए में बेचता है दोस्तों ये 125 में बेच देता है समझ सौ रुपए की चीज को एक सौ पच्चीस रुपए में बेच देता है अब लाभ लाभ तो लाब निकालने के लिए दोस्तों हम लोगों को तरीका पता है इन दोनों के बीच में पिछहत्तर रुपए की चीज उसको पड़ी है अगर वो पच्चीस रुपए में बेच रहा है तो टोटल उसको फायदा कितना का हो रहा है दोस्तों तो टोटल यहां से यहां तक का टोटल उसको फायदा देंगे तो पच्चीस पच्चीस यानी पचास रुपए फॉर्मूला तो ये ये क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन टू में हंड्रेड यही तो लगाया है ठीक है चलिए अब इसे अपन कैंसिल कर सकते हैं तो पच्चीस से इसे कैंसिल करूंगा पच्चीस दूनी पचास और पच्चीस दिया पिछहत्तर और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा तो दो सौ बटे तीन और इसको बहुत ही बढ़िया दोस्तों से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए बहुत ही बढ़िया तो 66.67 परसेंट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया दोस्तों।, तो दोस्तों तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों तो यहां तक हमारे जो 25 विशेष प्रश्नों के साथ में मैंने आप लोगों को आज का जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था उसको नेक्स्ट क्लास में यानी कल तो क्लास नहीं रहेगी मंडे की क्लास में दोस्तों उसका करेक्ट में करेक्ट क्वेश्चंस देखकर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा कि क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी या उसी प्रश्न में कुछ चीजें हैं वो आप लोगों के लिए लाऊंगा दोस्तों आप लोग क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आ सकते हैं आप एल आई जी और भवरकुआ चौराहे पे दोनों ही जगह जगह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो ठीक है यहाँ पर एम हो पीई भी हो पटवारी हो या कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी हो दोस्तों हर किसी की तैयारी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाएगी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप के माध्यम से क्या होगा दोस्तों आज की क्लास की पीडीएफ तुरंत आपको ऐप पर मिल जाएगी ठीक है साथ ही साथ में उस पूरी पटवारी के लेक्चर सीरीज के लिए एक और बार विशेष चर्चा कर लेते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी की शुरुआत होती है दीपिका मैम के द्वारा ये दिन में आपको दो बजे पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का लेक्चर लगता है दोस्तों दोस्तों रोजाना मिनट पर गणित जो जो कि अनिल सर सर आप लोगों को पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पंचायती राज का लेक्चर है दिनेश ठाकुर आपको पढ़ाएंगे, शाम को छह बजे जबकि मध्य प्रदेश पटवारी और करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है शाम को नौ बजे बहुत ही बढ़िया दोस्तों आप नोट्स परचेस कर सकते हैं तो नोट्स को परचेस करने के लिए पूरा कंप्लीट नोट्स का सिलेबस है दोस्तों तो इस परचेस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो ऐप सर्वे से भी आप ये सारी परचेस बुक परचेस कर सकते हो तो करिश्मा जी आप पहले एप डाउनलोड कर लीजिए वहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी चले दोस्तों तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तो क्लास को फिलहाल हम यही समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिलते